कोविड के इस समय पूरे विश्व में कोविड महामारी का प्रकोप विगत एक वर्षों से जारी है। इसकी चिकित्सा के क्षेत्र में तीन प्रकार की बातें सामने आती हैं। एक प्रिवेंटिव मेजर्स, जिससे कि कोविड का इन्फेक्शन ना हो। दूसरा क्यूरेटिव मेजर्स, जिसमें कि हम कोविड से संक्रमित व्यक्ति की चिकित्सा विभिन्न माध्यमों से करते हैं। तीसरी चीज़ आती है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस, यानी मरीज कोविड का इन्फेक्शन हो जाने के पश्चात, ठीक हो जाने के पश्चात भी कुछ लक्षण या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमारे सामने उस व्यक्ति में देखने में आते हैं, तो उसकी चिकित्सा भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि कोविड की चिकित्सा। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? पोस्ट कोविड कंडीशन आर ए वाइड रेंज ऑफ न्यू रिटर्निंग और ऑनगोइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स पीपल कैन एक्सपीरियंस मोर देन 4 वीक्स आफ्टर फर्स्ट बीइंग इन्फेक्टेड विद द वायरस दैट कॉज कोविड-19। मतलब कोविड-19 के ठीक हो जाने के पश्चात भी कुछ नए लक्षण या कुछ पुराने लक्षण भी वापस दिख सकते हैं, वो पोस्ट कोविड कंडीशंस या कॉम्प्लिकेशंस के रूप में हम समझ सकते हैं। टाइप्स ऑफ पोस्ट कोविड कंडीशन। लॉन्ग कोविड इज ए रेंज ऑफ सिम्टम्स दैट कैन लास्ट वीक्स और मंथ्स आफ्टर फर्स्ट बीइंग इन्फेक्टेड विद द वायरस दैट कॉजेज कोविड-19, इवन इफ द इलनेस वॉज माइल्ड। मतलब माइल्ड इन्फेक्शन यदि होता है उस कोविड के पेशेंट को, उसके लक्षण भी जिस समय संक्रमित था उस समय लक्षण भी बहुत कम दिखाई दे रहे थे, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको कोविड ठीक हो जाने के पश्चात कोई कॉम्प्लिकेशंस या लक्षण या सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे। ऐसे व्यक्ति में भी जो कि माइल्ड इन्फेक्टेड था, ठीक हो जाने के पश्चात पुनः लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जिनको हम पोस्ट कोविड कंडीशन या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के रूप में देख सकते हैं। मोस्ट कॉमन फीचर्स जो हमको दिखाई देते हैं वो है टायर्डनेस या फटिक, व्यक्ति थका हुआ नज़र आता है। डिफ़िकल्टी थिंकिंग और कंसंट्रेटिंग, मतलब पेशेंट किसी भी वस्तु पर, किसी भी काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, इसको हम ब्रेन फॉग के रूप में जानते हैं। हेडेक हो सकता है व्यक्ति को, लॉस ऑफ स्मेल या टेस्ट, जो कि लक्षणों के रूप में भी हमको देखने में आता है, वो कोविड ठीक हो जाने के पश्चात पुनः लॉस ऑफ स्मेल या टेस्ट भी हो सकता है। डिजीनेस ऑन स्टैंडिंग, जैसे ही खड़ा होता है व्यक्ति को हल्के से चक्कर आते हैं। चेस्ट पेन, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। सूखी खांसी आती है। जॉइंट्स, हाथ पैरों में दर्द हो सकता है। डिप्रेशन और एंजाइटी, पेशेंट चिंतित रहता है, पेशेंट डिप्रेस रहता है, डिप्रेशन में पेशेंट रहता है। कोविड के समय भी पेशेंट डिप्रेशन में रहता है, कोविड ठीक हो जाने के पश्चात भी उसको ये संभावना, डाउट बना रहता है कि पुनः इन्फेक्शन ना हो जाए या सोशल बायकॉट ना हो जाए। इस प्रकार की कंडीशंस की वजह से पेशेंट एंजाइटी में रहता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। फीवर, पेशेंट को वापस ठीक हो जाने के पश्चात पुनः फीवर बना रह सकता है, आ जाता है। सिम्टम्स दैट गेट वर्स आफ्टर फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़, ये लक्षण जो है हमको पेशेंट को, जब पेशेंट कुछ एक्टिविटी करता है, कुछ कार्य करता है, उस समय प्रकट होते हैं। इसीलिए हम पेशेंट को ठीक हो जाने के पश्चात भी कुछ दिनों तक रेस्ट करने की सलाह देते हैं। यदि वो रेस्ट पीरियड में भी कुछ काम करता है तो उस समय ये लक्षण ज़्यादातर देखने में आते हैं। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के अंतर्गत पेशेंट को हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट डिजीज़ यदि होती है तो कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, जिसमें है चेस्ट डिस्कम्फर्ट, पेन और प्रेशर दैट स्प्रेड टू आर्म, मेनली लेफ्ट आर्म, राइट आर्म भी हो सकता है, नेक की तरफ भी पेन रिफर्ड हो सकता है। सेटिंग फॉर द ऑब्वियस, नो ऑब्वियस रीजन, यानी बिना किसी कारण के पेशेंट को पसीना आना, जो कि हम सामान्य हार्ट डिजीज में भी देखते हैं। सेंसेशन ऑफ एन इरेगुलर हार्ट बीट, एग्जॉशन दैट कम्स ऑन ईजली, हल्के से काम करने से भी पेशेंट को थकावट या सांस फूलना
लक्षण के रूप में दिखाई देते हैं, तो हम समझते हैं कि इसको शायद उसको फिर आगे इन्वेस्टिगेट कराते हैं कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। किडनी डिजीज़ के भी लक्षण पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं, जिसमें है मुख्य रूप से फ्रिक्वेंट नीड टू यूरिनेट, बार बार पेशाब जाने की उसको व्यक्ति को इच्छा होती है, यूरिन दैट्स फोमी और ब्लडी, यूरिन के साथ में झाग या खून भी आ सकता है, स्वॉलन एंकल्स एंड फीट, टखनों में या पंजों में सूजन हो सकती है, स्किन उसकी ड्राई या इची भी हो सकती है, वेट लॉस या पुअर एपेटाइट, व्यक्ति को भूख कम लगेगी और उसका वजन कम हो सकता है, ये लक्षण भी किडनी के डिजीज़ के रूप में हम देखने को आते हैं। पेशेंट को डायबिटीज़, शुगर बढ़ सकती है, उसके समान रूप से जो शुगर के डायबिटीज़ के जो लक्षण हैं वो प्रकट होते हैं, जैसे एक्सट्रीम थर्स्ट विदाउट रीजन, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, थकावट होना, बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होना, हाथ पैरों में झंझनाहट या टिंगलिंग सेंसेशन सुन हो जाना, ये लक्षण यदि हो रहे हैं तो हम डायबिटीज़ की तरफ हमारा ध्यान जाता है। इसके अलावा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS के नाम से इसको हम जानते हैं, ये भी पेशेंट को हो सकता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ये है, समान रूप से ये देखने में आता है, लंग्स आर सीवियरली डैमेज, दैट फ्लूड बिगिंस टू रिलैक्स इनटू द देम, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है लंग्स में वो कम होने लगता है। एक्यूट लीवर इंजरी भी देखने में आती है, लेकिन ये अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि ये लीवर इंजरी कोविड की वजह से हुई है, मेडिसिन की वजह से हुई है या किसी अन्य कारण की वजह से हुई है। पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शन कोविड निगेटिव आ जाने के पश्चात भी हो सकता है। कोविड पॉजिटिव आ जाने के पश्चात हम लोग उसको एंटीबायोटिक्स शुरू कर देते हैं, जबकि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। सिर्फ एंटीबायोटिक हम लोग इसलिए देते हैं कि उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, इसके लिए हम प्रिवेंटिव रूप में एंटीबायोटिक्स का यूज़ हम पेशेंट में करते हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर पेशेंट का इस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट लंग्स में होता है, तो लंग्स में इफेक्ट हो जाने की वजह से वहाँ पर एक्सचेंज जो ऑक्सीजन ब्लड से एल्विओलाई में और एल्विओलाई से कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में जो आना चाहिए वो कम आने लगती है, उसका समस्या खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से कि पेशेंट को डिस्ट्रेस होता है और रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ जाता है। निमोनिया, समान रूप से हम देखते हैं कि लंग्स इसमें अफेक्टेड होते हैं, निमोनिया की कंडीशन इसमें डेवलप होती है, जो कि पेशेंट ठीक हो जाने के पश्चात भी ये बनी रह सकती है। एक्यूट किडनी इंजरी इज नॉट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, समान रूप से ये नहीं होता, लेकिन किडनी कारणों की वजह से किसी पेशेंट में ये भी हो सकता है। डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, बॉडीज ब्लड क्लॉटिंग रेस्पॉन्स डज नॉट वर्क राइट, समान रूप से ब्लड क्लॉटिंग वेसल्स के अंदर होने लगती है, तो समान रूप से इसमें कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज डेवलप हो सकते हैं या और भी दूसरे ऑर्गन्स में ब्लॉकेज डेवलप हो सकते हैं। इसको देखने के लिए हमको पहले से ही टेस्ट करने पड़ते हैं कि ये प्रॉब्लम ना हो जाए। हम देखते हैं कि समान रूप से पेशेंट कोविड निगेटिव हो जाने के पश्चात घर चला जाता है हॉस्पिटल से और वापस दो चार दिन के बाद में उसकी डेथ हो जाती है, ये इस प्रकार की घटनाएँ भी हमारे सामने आई हैं, तो उसका मुख्य कारण यही हो सकता है। और भी अन्य कारणों के अलावा ब्लॉकेज की संभावना भी इसमें पेशेंट को हो सकती है। क्रॉनिक फटिक, सम पीपल हुज हैड COVID-19 डेवलप ए कंडीशन सिमिलर टू क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम, ये पेशेंट किसमें हाथ पैरों में दर्द, थकावट महसूस इसमें पेशेंट करता है, जिसको हम लोग ब्रेन फॉग के रूप में भी जानते हैं। कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं समान रूप से सभी व्यक्तियों में, सभी मरीजों में ये देखने में नहीं आता है, उसके लिए कुछ रिस्क फैक्टर डिसाइड किए गए हैं कि जिनको ये रिस्क फैक्टर यदि होंगे और उस व्यक्ति को कोविड का इन्फेक्शन होता है तो उसमें कोविड ठीक हो जाने के पश्चात भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने में आते हैं, उनमें है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ यदि पेशेंट को है,
COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, ए वीकेंड इम्यून सिस्टम, ये सबसे कॉमन होता है। उस व्यक्ति का किन्हीं कारणों की वजह से इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिस व्यक्ति को हम कहते हैं, वो यदि कमज़ोर होती है, तो ऐसे व्यक्ति को यदि इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन ठीक हो जाने के पश्चात भी उसमें कॉम्प्लिकेशंस देखने में आते हैं। पेशेंट यदि ओबेज है, मोटा है, यदि ओबेसिटी है, तो ऐसे व्यक्ति को भी कॉम्प्लिकेशंस होने की पूरी संभावना रहती है। सीरियस हार्ट डिजीज, सीरियस हार्ट कंडीशंस सच एज हार्ट फेलियर या कोरोनरी आर्टरी डिजीज यदि हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी रिस्क फैक्टर के अंतर्गत इसको रखते हैं और कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। सिकल सेल डिजीज़, ये RBC की डिजीज़ है, सिकल सेल एनीमिया, इसमें RBC का शेप सिकल के समान, हसिया के समान हो जाता है, तो इसमें एनीमिया डेवलप होता है, ये भी रिस्क फैक्टर के अंतर्गत आता है। टाइप 2 डायबिटीज़ यदि पेशेंट को है और उसको यदि इन्फेक्शन होता है, तो उसमें भी ठीक हो जाने के पश्चात कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो, इसके लिए हम लोगों को कुछ इन्वेस्टिगेशंस पहले से ही करा के रखने पड़ते हैं, पहले से ही हम कराते हैं। जब मार्च 2020 में कोविड आया था, उस समय सिर्फ RT-PCR टेस्ट हम लोग करते थे, और दूसरे क्या इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, कराना चाहिए, ये समझ में नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर अनुसंधान किया और कुछ टेस्ट बायोमार्कर के रूप में सजेस्ट किए कि इन टेस्ट को हम करते हैं, और टेस्ट के इनसे कुछ विभिन्न प्रकार की व्याधियां जो भविष्य में होने वाली हैं, उनको उनसे होने से बचा जा सकता है। इसमें CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, CVC, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, डी डाइमर, इंटरल्यूकिन 6, LFT, फेरेटिन, सीरम क्रिएटिनिन। जैसा कि हम जानते हैं, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन किसी भी इन्फेक्शन में, जब इन्फ्लेमेशन होता है शरीर के अंदर, तो उससे CRP वैल्यू बढ़ती है। ये सामान्य रूप से इसकी नॉर्मल रेंज होती है 6 से 10 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसमें जितना ज़्यादा इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होगा, उतनी ज़्यादा CRP वैल्यू इसकी होती है। जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट जब रिस्पॉन्ड करता है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे लंग्स में कम होता है, तो CRP वैल्यू भी डाउन होना शुरू होती है। तो एक प्रकार से बायोमार्कर का काम करता है कि आपका ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स कर रहा है, इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है कितना नहीं है, इसको देखने के लिए हम लोग CRP वैल्यू टेस्ट करवाते हैं। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट हम पेशेंट का कराते हैं। इसमें WBC सामान्य रूप से जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसकी काउंट बढ़ा रहता है। RBC जो कि ऑक्सीजन को ले जाने का हीमोग्लोबिन के थ्रू कार्य करता है, तो उसमें एनीमिया डेवलप हो सकता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ये एक प्रकार का एंजाइम है जो कि इन्फेक्शन यदि कोई होता है, तो जितना ज़्यादा इसका लेवल होगा, उतना ही इन्फेक्शन ज़्यादा है, ऐसा हम समझते हैं। तो इसको भी बायोमार्कर की तरह हम यूज़ करते हैं। एक होता है डी डाइमर, जैसा कि मैंने बताया पहले, कि ठीक हो जाने के पश्चात भी ब्लड क्लॉटिंग की इसमें संभावनाएँ होती हैं, तो डी डाइमर यदि पहले से बड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति को फ्यूचर में क्लॉटिंग होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम ब्लड थिनर मेडिसिन का यूज़ करते हैं। आयुर्वेद में खासतौर से अर्जुन क्वाथ का प्रयोग, अर्जुन फंड का प्रयोग, अर्जुन क्षीरपाक का प्रयोग, विभिन्न माध्यमों से हम अर्जुन का प्रयोग उस व्यक्ति को कराते हैं, जिससे कि ब्लड क्लॉट होने की संभावनाएँ भविष्य में कम हो जाती हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू है 500 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। इन्वेस्टिगेशंस में RT-PCR टेस्ट हम पेशेंट का कराते हैं, जो कि नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स से स्वाब के थ्रू हम सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसको टेस्ट कराते हैं। इसमें एक वैल्यू होती है CT वैल्यू, साइकिल थ्रेशोल्ड, 35 साइकिल थ्रेशोल्ड तक इसको टेस्ट करते हैं हम। तो जितना ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, उतनी ही कम साइकिल में उतनी ही जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा CT वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इन्फेक्शन उसमें वायरल लोड कम होगा, ऐसा हम मानते हैं। किसी की CT वैल्यू यदि 4 आ गई, 3 आ गई, 5 आ गई, इसका मतलब है कि उसको वायरल लोड उसका बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा CT वैल्यू होगी, उतना ही कम इन्फेक्शन है, ऐसा हम मानते हैं। 35 है, उसके ऊपर है तो वो
उसको हम नेगेटिव टेस्ट मानते हैं कि उसको आरटीपीसीआर नेगेटिव है। ट्रीटमेंट इसमें हम देखते हैं, सामान्य विशेष कोई कॉम्प्लिकेशन हो, यदि कोई हार्ट डिजीज़ हो तो उसका ट्रीटमेंट उसके हिसाब से करते हैं। सेप्टिक इन्फेक्शन यदि है तो उसका पर्टिकुलर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। लंग्स में यदि कोई चीज़ है, कोई डिजीज़ डेवलप हुई है तो उसका ट्रीटमेंट हम पर्टिकुलर करते हैं। किडनी में कोई डिजीज़ यदि हुई है तो उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। सामान्य रूप से जो कॉम्प्लिकेशंस देखने में आते हैं उनके लिए हम आयुर्वेद में जो मेडिसिन का यूज़ करते हैं उसमें गिलोय घनवटी, गिलोय का कोई भी प्रोडक्ट हो, गिलोय सोरस भी हो सकता है, अश्वगंधा पाउडर, वासा उल्लेह, कनकासव, अर्जुन त्वक्वाथ या अर्जुन क्षीरपाक, अर्जुन फांड, दसमूल क्वाथ, दसमूल अरिष्ट और ओवर्धनी वटी। तो पेशेंट जिस समय हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है उसको हम कम से कम 20-25 दिन तक इनमें से खास तौर से गिलोय घनवटी, दसमूल क्वाथ, दसमूल अरिष्ट इनका प्रयोग हम और अश्वगंधा पाउडर इनका प्रयोग हम अगले 20 दिन तक कराते हैं। तो समान रूप से जो कॉम्प्लिकेशंस लक्षण दिखाई देते हैं, पेशेंट को फटेग होना, हाथ पैरों में दर्द होना, फीवर होना, ये लक्षण उसके धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और पेशेंट अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है। इसके अलावा यदि कोई विशेष कॉम्प्लिकेशन है तो उसको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है। यदि लंग्स की स्थिति खराब हो रही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन है, तो ऐसे पेशेंट में हमको वेंटिलेटर्स का यूज़, ऑक्सीजन का यूज़ भी करना पड़ सकता है। तो ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के लिए हमारा क्या रोल हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं, इसके विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की। धन्यवाद।